Dear students, today we are going to discuss a lesson in English for students of class 10th. This chapter is from your Footprints Without Feet book. The name of a chapter is The Necklace, written by Guy de Maupassant. So students, aaj hum padhenge class 10th ki English book Footprints Without Feet ke ek bahut hi interesting story jiska title hai The Necklace. स्टूडेंट्स, ये स्टोरी एक वुमेन के बारे में है जिसका नाम है मैटिल्डा। उसका नेचर बहुत ही एम्बिशियस था और उसको अपने एम्बिशियस नेचर की वजह से क्या क्या सहन करना पड़ा अपनी लाइफ में, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी की शुरुआत होती है मैटिल्डा नाम की एक लड़की से, जिसका जन्म हुआ था एक गरीब फैमिली में, पुअर फैमिली में। स्टूडेंट्स, ये लड़की शुरू से ही अपने आप को बहुत अनलकी मानती थी, क्योंकि वो ये सोचती थी कि उसका जन्म एक पैसे वाली, एक रिच फैमिली में होना चाहिए था, जिस फैमिली की रैंक हो या सोसाइटी में कोई स्टेटस हो, उस फैमिली में इसका जन्म होना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि उसकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छा दहेज दे सके, तो इसलिए मैटिल्डा की जो शादी है वो एम ल्यूसिल से कर दी जाती है। एम ल्यूसिल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में क्लर्क होते हैं। मैटिल्डा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए इसको हमेशा फील होता था कि लाइफ में उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है। ये हमेशा लग्जीरियस लाइफ और अच्छी डिनर पार्टीज के सपने देखा करती थी, मतलब सिर्फ इमेजिनेशन में रहती थी, रियलिटी में जीती ही नहीं थी। स्टूडेंट, उसके जो हस्बैंड थे एम ल्यूसिल, वो हमेशा अपनी वाइफ को खुश देखना चाहते थे। एक दिन क्या होता है कि उनके ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन आता है, तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस पार्टी में अपनी वाइफ मैटिल्डा को लेकर जाऊं। लेकिन जब वो मैटिल्डा को इस पार्टी के इनविटेशन के बारे में बताते हैं, तो मैटिल्डा इस पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? क्योंकि वो ये सोचती है कि इतनी ग्रैंड पार्टी है, इतनी अच्छी पार्टी है, तो इस पार्टी में पहनने के लिए एक अच्छी ड्रेस भी होनी चाहिए, और उसके पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। इसलिए मैटिल्डा इस पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है। मैटिल्डा के हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि मैटिल्डा, एक अच्छी ड्रेस कितने तक की आ जाएगी पार्टी में पहनने के लिए? तो फिर मैटिल्डा सोचकर जवाब देती है। सोचकर क्यों जवाब देती है? क्योंकि उसके हस्बैंड एक क्लर्क थे और वो ज़्यादा अमाउंट बता नहीं सकती थी। अगर वो ज़्यादा अमाउंट बता देगी तो उसके हस्बैंड हो सकता है मना करते पैसे देने के लिए, इसलिए वो सोचकर जवाब देती है कि 400 फ्रेंक्स में एक अच्छी ड्रेस आ जाएगी। लेकिन ये सुनकर भी मैटिल्डा के जो हस्बैंड है, उनका चेहरा जो है वो एक फीका सा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने ही पैसे जो है वो जमा करके रखे होते हैं अपने लिए गन खरीदने के लिए। अब वो गन क्यों खरीदना चाहते थे? गन वो इसलिए ख़रीदना चाहते थे क्योंकि नेक्स्ट समर वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पार्टी पर, यानी कि शिकार पर जाना चाहते थे उस गन के साथ, उस गन को लेकर। लेकिन जब पार्टी आ जाती है बीच में, अपनी वाइफ को पैसे देने होते हैं, तो वो उस पैसों को उठाकर अपनी वाइफ को दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद लो। मैटिल्डा जाती है, परचेज करती है, बहुत अच्छी खूबसूरत सी ड्रेस लेकर आती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन फिर भी उसका मूड जो होता है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो ये सोच रही होती है कि मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छी ड्रेस तो है, लेकिन मेरे पास कोई ज्वेलरी तो है नहीं पहनने के लिए। अब मैं बिना ज्वेलरी के अगर पार्टी में जाऊंगी तो मेरा गरीबों वाला लुक लगेगा, मैं बहुत अजीब लगूंगी और मेरी बहुत इंसल्ट होगी। तो वो अपने हस्बैंड से मना कर देती है कि मैं पार्टी में नहीं जा रही। तो उसके हस्बैंड पूछते हैं उससे कि क्या बात है, अब क्या मैटर है, अब तो सब ठीक है, अब तो तुम्हारी ड्रेस भी आ गई एक अच्छी सी। मैटिल्डा कहती है कि मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि क्यों ना तुम कोई नेचुरल फ्लावर की जो ज्वेलरी है वो बनाकर पहन लो। तो वो आइडिया उसको अच्छा नहीं लगता, वो मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, मुझे बहुत इंसल्टिंग फील होगा, इसलिए मैं पार्टी में जा ही नहीं रही। तभी उसके हस्बैंड उसको याद दिलाते हैं कि तुम्हारी एक फ्रेंड है जिसका नाम है एम फ्रॉस्टियर। एम फ्रॉस्टियर जो होती हैं वो बहुत रिच फैमिली से होती हैं, बहुत अच्छी फैमिली की होती हैं और मैटिल्डा की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं।
तो वो कहते हैं कि क्यों ना तुम अपनी फ्रेंड के पास जाकर कुछ ज्वेलरी उधार मांग लो। तो मटिल्डा को भी ये सजेशन बहुत अच्छा लगता है, वो मैम फ्रॉस्टर के पास जाकर कुछ ज्वेलरी उधार मांगने के लिए चली जाती हैं। जब वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो उसके ज्वेलरी बॉक्स को बड़े ध्यान से देखती है। फाइनली मटिल्डा की नज़र एक एक्सपेंसिव लुकिंग डायमंड नेकलेस पर जाती है। उसने अपनी फ्रेंड से वो डायमंड नेकलेस ले लिया और फाइनली वो ये नेकलेस पाकर बड़ी खुश हो जाती है कि अब वो पार्टी में इस ड्रेस को पहन कर जाएगी और इस अच्छी सी डायमंड नेकलेस को पहन कर जाएगी। तो पार्टी में वो यही नेकलेस पहन कर जाती है जैसा मटिल्डा चाहती थी, बिल्कुल वैसा ही होता है पार्टी में। बहुत वो बहुत दिखने में भी तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, चार्मिंग थी, प्रिटी थी और पार्टी में भी सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। शी रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट, मैडम ल्यूसिल फेल्ट ट्रूली हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बहुत इंजॉय करती हैं पार्टी को, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं पार्टी में। जैसी वो ज़िंदगी वो जीना चाहती थी, जैसी वो लाइफ जीना चाहती थी, बिल्कुल वैसी ही लाइफ वो पार्टी में जीती हैं। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ पार्टी फिनिश होने के बाद अपने घर वापस आते हैं। अब मैडम ल्यूसिल बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उनको इतनी अच्छी पार्टी में तारीफ करी थी सब ने उनकी और इतनी खूबसूरत वो लग रही होती हैं। तो वो चाहती हैं कि एक बार और मैं अपने आप को मिरर में देखूँ मैं कितनी खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो अपने आप को मिरर में देखती हैं तो वो क्या देखती हैं कि उनका जो नेकलेस है वो कहीं गिर गया है। जो उनके हस्बैंड हैं एम ल्यूसिल वो भी हर जगह जाकर उस नेकलेस को सर्च करते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ। पुलिस में भी जाकर उसके हस्बैंड कंप्लेन कर आते हैं लेकिन नेकलेस कहीं नहीं मिलता। अब ये दोनों सीधे साधे हस्बैंड वाइफ ये सोचते हैं कि अब हम मैडम फ्रॉस्टर को क्या वापस करेंगे क्योंकि हमने तो उनसे वो उधार लिया था नेकलेस। तो दोनों ये सोचते हैं कि क्यों ना हम बिल्कुल ऐसा ही नेकलेस खरीद कर सेम टू सेम ऐसी ही नेकलेस मैडम फ्रॉस्टर को वापस कर देंगे। अब वो ये सोच तो लेते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही नेकलेस वो ख़रीद कर वापस कर देंगे लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है उन्हें। महंगा क्यों पड़ता है? क्योंकि वो डायमंड नेकलेस था और उसकी जो कीमत होती है एक्चुअल कीमत वो 40,000 francs होती है। अब वो मार्केट में उसके हस्बैंड पता करके आते हैं तो उसकी कीमत पता चलती है कि 36,000 francs का वो उनको मिल जाएगा। अब उनके पास जितनी भी सेविंग्स होती हैं, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में कमाया होता है, जो टोटल उनके पास जो सेविंग होती है वो होती है 18,000 francs। अब 36,000 francs का वो नेकलेस है लेकिन फिर भी उनके पास सिर्फ 18,000 francs होते हैं, बाकी के पैसे वो कहाँ से लेकर आएंगे? तो मैडम ल्यूसिल के हस्बैंड एम ल्यूसिल वो क्या करते हैं, उस बाकी बची कीमत को वो लोन लेते हैं। वो लोन लेकर उस नेकलेस को ख़रीद कर अपनी वाइफ को देते हैं और कहते हैं कि जाकर ये नेकलेस अपनी फ्रेंड को वापस कराओ। अब नेकलेस इन्होंने मैडम फ्रॉस्टर को दे दिया लेकिन आने वाले साल इनके लिए बहुत मुश्किल वाले होने वाले थे। मुश्किल वाले साल क्यों होने वाले थे? क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी उस लोन को देने के लिए, उस लोन को उतारने के लिए। तो सबसे पहले तो मैडम ल्यूसिल जो है वो क्या करती हैं, अपनी जो घर की जो मेड होती है, जो उनके घर में काम करने वाली आ रही होती है, मेड जो आ रही होती है घर के काम करने के लिए, सबसे पहले वो उसको हटा देती हैं क्योंकि उसके जो सैलरी होगी, जो उसके पैसे होंगे वो बचेंगे तो वो उनको लोन में दे सकते हैं। और जो उनके हस्बैंड हैं एम ल्यूसिल वो भी अपने ऑफिस के अलावा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उस नेकलेस के जो लोन लिया था उन्होंने उसको उतारने के लिए। अब कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहता है, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो मैडम ल्यूसिल थी यानी कि मैटिल्डा जो थी उसकी जो खूबसूरती थी वो भी थोड़ी कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अपनी सारी जो सेविंग्स थी सब उस नेकलेस में देने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं लेकिन वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि उस रात उनकी उस पार्टी में बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उस पार्टी में। अब स्टूडेंट्स
10 ईयर्स तक हार्ड वर्क करने के बाद ये दोनों अपने सारे लोन्स उतार देते हैं, यानी कि जो लोन लिया था उन्होंने उस नेकलेस को परचेज करने के लिए, ख़रीदने के लिए, मैडम फ्रॉस्टर को वापस करने के लिए, उस लोन को अदा करने में उनको 10 साल लग जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, घूमते घूमते मैडम ल्यूसेल को, यानी कि मैटिल्डा को, मैडम फ्रॉस्टर जो है वो मिल जाती हैं कहीं रास्ते में। अब उनके सारे जो लोन्स थे वो सब उन्होंने दे दिए होते हैं, तो वो सोचती हैं मैडम ल्यूसेल मैटिल्डा कि क्यों ना मैं एम फ्रॉस्टर, यानी कि मैडम फ्रॉस्टर को जाके सारी बातें बता दूं कि कैसे हमने उनकी नेकलेस को वापस किया। अब मैडम जो फ्रॉस्टर थी वो अभी भी यंग नज़र आ रही थी, लेकिन जो मैटिल्डा थी वो बहुत ओल्ड नज़र आ रही थी। उनके सामने मैडम ल्यूसेल डिसाइड करते हैं कि हमें सारे लोन जिस तरीके से हमारा उतारा है, हम सारी बातें जो है वो मैडम फ्रॉस्टर को बता दूंगी। अब वो मैडम फ्रॉस्टर को जाकर सारी बातें बताती हैं कि कैसे इस तरीके से जो हमने मैंने तुमसे वो नेकलेस लिया था उस पार्टी में पहनने के लिए, वो नेकलेस मेरा कहीं गिर जाता है और उसके बदले मैंने तुम्हें दूसरा बिल्कुल सेम एज इट इज़ नेकलेस खरीद कर मैंने उसे तुम्हें वापस किया था और उसके लोन को चुकाने में हमें 10 साल लग गए। अब ये सुनकर जो मैडम फ्रॉस्टर थी वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती हैं। वो ये कहती हैं कि मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया था वो नेकलेस तो फॉल्स था, यानी कि वो नकली नेकलेस था और जिसकी जो कीमत थी वो सिर्फ 500 फ्रेंक्स थी। तो ये सुनकर तो मैडम ल्यूसेल यानी कि मैटिल्डा जो होती हैं वो भी शॉक्ड हो जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि हमने तो उसको रियल डायमंड वापस कर दिया और जबकि वो नेकलेस तो नकली था। तो स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी की जो थीम है उससे क्या समझ में आता है, उससे ये समझ में आता है कि दिस स्टोरी इज टेल्स अबाउट वैल्यूज़ और टीचर्स टू बी हैप्पी विद हु यू आर और वॉट टू डू हैव इंस्टेड डिज़ायरिंग वॉट यू हैव नॉट trying to pretending could have a hard and painful cost, यानी कि हमें जो कुछ भी हमारे पास है लाइफ में हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए, उसी में ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है उससे भी और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होने के अच्छा तो होना ही चाहिए, लेकिन जो हमारे पास है उससे भी हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। उससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये जो है वो सब बेकार है। तो यही मैडम ल्यूसेल के साथ हुआ, यानी कि मैटिल्डा के साथ हुआ। उन्होंने जो उनकी खुद की जो लाइफ में सब चीज़ें थी उसकी वैल्यू ना करके दूसरी चीज़ों की उन्होंने वैल्यू करी, जिसके बाद लास्ट में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टोरी हमारी फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।